नमस्कार दोस्तों, आइए सर्वप्रथम गुरु महाराज का स्मरण करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज का स्मरण करते हुए आज के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, राम राम। आज एक विशेष बात यह बताने जा रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से, नीम करौली वाले बाबा की कृपा से, कि हमारे देश में चुनाव का समय आता है, उस समय सभी की इच्छा ये होती है कि हम जीतें। हर व्यक्ति चाहता है कि हम जीतें। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, घर परिवार में हो, हर व्यक्ति हर बंदा चाहता है कि वह जीते। लेकिन क्या जीतता है? क्या भाई, दो लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। इसमें क्या आती है बात कि भाई भाग्य में था इसलिए वो जीत गया, लेकिन भाग्य में जो लिखा है उसको भी बदलने की क्षमता तंत्र शक्ति में, मंत्र शक्ति में है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। भाग्य में लिखा हुआ भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, भाग में लिखा हुआ त्रिपुरारी मतलब महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ उसको मिटा देते हैं। यदि उनकी शरण में, उनकी सेवा में, उनकी शरणागत यदि कोई होता है तो भोलेनाथ शंकर भगवान की कृपा से उन्हीं के द्वारा मंत्रों का निर्माण किया गया है, उनके मुख से निकले हैं ये जितने भी मंत्र हैं, सब भगवान शंकर जी की कृपा से ही प्रकट हुए हैं। और कुछ मंत्रों को अधिकांशतः शंकर जी ने ही कीलित कर दिए हैं। कीलित करने का मतलब कि हर इंसान जिसको मन चाहे वह इसको सिद्ध कर ले और गलत कार्यों में उपयोग करे, इसलिए उनको कीलित किया गया है शंकर जी द्वारा। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कीलित नहीं है, जैसे कि नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र श्रापित जरूर है तो श्राप से भी मुक्त करना रहता है। गायत्री मंत्र को श्राप दिया है तीन ऋषियों ने, तो उनको श्राप से मुक्त करने के लिए मंत्र भी है। इसी प्रकार हर क्षेत्र में आदमी चाहता है कि वह जीते लेकिन नहीं जीत पाता भाग्य के कारण, तो उस भाग्य को बदलने के लिए चुनाव के दौरान लोग बाग नेता लोग क्या करते हैं, पीताम्बरी माँ पीताम्बरा का जाप अनुष्ठान करवाते हैं, बगला मुखी अनुष्ठान। लेकिन आपको एक रहस्य वाली बात आज बताते हैं जो आपने नहीं सुनी होगी, यह हम आपको बताते हैं। वह है अपराजिता स्तोत्र। माता अपराजिता जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। जो किसी उसके शरण में जाने वाले को वह पराजित नहीं होने देती, लेकिन उसका विधान है। उस विधि विधान के अनुसार यदि आप उसको करेंगे, उस अनुष्ठान को करवाएंगे, स्वयं तो आदमी नहीं कर सकता, लेकिन उसको ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मणों द्वारा आप यदि अपराजिता स्तोत्र का अनुष्ठान करवाएंगे तो आपको ये मान के चलो कि जीत आपकी सुनिश्चित हो जाती है, चाहे वह कैसा भी समय हो। आपका खराब समय चल रहा है तो उस समय को अच्छे में बदलने की क्षमता अपराजिता स्तोत्र का अनुष्ठान करने से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपके संपर्क में या आप स्वयं खुद भी इस प्रकार के किसी कार्य क्षेत्र में अपना भाग्य अजमाना चाहते हैं तो आप इस अपराजित स्तोत्र का अनुष्ठान कीजिए, करवाइए किसी योग्य ब्राह्मण पंडितों के द्वारा,
आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाकी का जो रहस्य विधि विधान है वह आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने से या फोन पर बात करने से ही प्राप्त होगी, उसमें ऐसा इस समय बतलाना उचित नहीं है। बाकी आपको एक रास्ता बता दिया है, इसमें निश्चित रूप से मान के चलो आप बगला मुखी के स्तोत्र से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक अपराजिता के अनुष्ठान पाठ से ही प्राप्त हो जाता है। यह बात आप लोग समझ लीजिएगा। आज के लिए गुरु महाराज की कृपा से यह बात हमने आपको बताई। जय माता दी, जय महाकाली, जय गुरुदेव।